हेलो, कैसे हो बच्चों? आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, और ये मैथमेटिक्स क्लास 9th की। आप सब लोग 9th क्लास में हैं, पहुंच गए। इस बात की बहुत बहुत आपको बधाई। 9th क्लास में आप आ गए तो अब आपको अपने करियर के बारे में अभी से प्लान करना होगा। एक जिम्मेदारी आ गई आपके ऊपर, क्योंकि ये फाउंडेशन है और यहाँ से ही डिसाइड होता है कि आपका करियर किस तरफ जाएगा, क्योंकि 9th क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होती है। 9th और 10th में जो 2 साल आप मेहनत करते हैं, उसके आधार पे आपका बोर्ड का रिजल्ट होता है, जो पहली एक रिमार्केबल पॉइंट होती है आपके जीवन का, और एक रिकॉग्निशन मिलती है कि 10th क्लास में इतने मार्क्स आए, उन्होंने ये अचीव किया और इतने परसेंटेज आए। अभी 8th क्लास तक तो मजे मजे में निकल गए और वहां तक कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी, बहुत कम पढ़ाई थी। 9th क्लास में 8th क्लास के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है और 10th भी उसी तरह से है, तो ये 2 क्लास बहुत सीरियसली लेना है ना? ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार हो और आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स की। 9th क्लास की मैथमेटिक्स बहुत आसान है और इसको आज हम शुरू करते हैं। आप खुद देखेंगे कि कितना आसान है 9th क्लास की मैथमेटिक्स। पहला जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में तो आप जानते ही हैं। और सिस्टम क्या है? कोई मशीन थोड़े ना है, सिस्टम है। बस ये है कि नंबर के बारे में, तरह तरह के नंबर के बारे में हमें जानना है, और उसके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आप पहले से जानते हैं, उसके बारे में सीखना है। तो नंबर कौन से नंबर होते हैं? नंबर आप जानते हैं नंबर कौन से होते हैं? बिल्कुल, आप जैसे 9th क्लास में आ गए हो तो ये एक नाइन क्या है? एक नंबर है। पहले 8th क्लास में थे तो 8th क्या है? एक नंबर है। तो इस तरीके से ये सब नंबर है, 1 2 3 4। पहली क्लास में आए, दूसरी में आए, तीसरी में आए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ। अब अगले साल 10th में जाओगे, है ना? तो ये सब एक नंबर है। नंबर शुरू कहाँ से हुआ? कहाँ से शुरू हुआ आपकी क्लास की नंबरिंग? कहाँ से शुरू हुई? वन से, 1 2 3 4। अब आप कह रहे होंगे उसके पहले भी तो हम क्लास में पढ़ते थे, UKG LKG, बट वो नाम था क्लास का, नंबर नहीं था, क्लास वन नहीं था, वो UKG था, ठीक है ना? अपर किंडर गार्डन, वो पूरा नाम है, वो नंबर नहीं है। नंबर आपकी शुरू हुई है 1 से, और जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती गई वैसे वैसे नंबर भी बढ़ता गया। मतलब नंबर बढ़ भी सकता है ना? नंबर बढ़ भी सकता है, 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3, 3 से बढ़ के 4, 4 से बढ़ के 5। क्लास जैसे आपकी बढ़ रही है, नंबर, हर एक नंबर एक खुद में नंबर है, लेकिन अगर उसमें कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ प्लस कर दिया जाए, तो अगला नंबर मिल जाता है ना? जैसे हमारे पास 2 पेन है, मान लो ये 2 अंगुलियां है और 2 अंगुलियां और मिला दी तो कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी ये तो 2 ही थे, या एक और मिला दी तो कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये नंबर 2 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, दोनों को हम एक साथ अगर कर दे, इसको एक साथ करने को एडिशन कहते हैं, तो एक साथ कर दिया तो एड हो गए दोनों, और दोनों तीनों मिलके कितने हो गए? 3 अंगुलियां हो गई। 3 अंगुलियां आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से नंबर्स की जो काउंटिंग जो होती है, वो शुरुआत जो होती है वो 1 से शुरू होती है। आप 1 में गए, फिर 2 में गए, फिर 3 में गए, फिर 4 में गए, ऐसे। तो नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है, और 1 एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे मेरे पास एक पेन है, आपके पास एक पेंसिल है, किसी के पास 2 एप्पल है, किसी के पास 4 ब्रेड है, तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, नेचर मतलब इस दुनिया में, इसलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? वो नंबर जो इस दुनिया में, नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? यानी 1 एरोप्लेन, 1 एलिफेंट, 2 हॉर्सेज, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ये सारी चीजें, तो ये नंबर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो आइए सीखते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टाइप का नंबर होता है वो होता है, क्या होता है वो सबसे पहला नंबर? इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ से शुरुआत होती है? ये शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4।
5, 6, 7, 8, 9 और अगली क्लास में आप जाएंगे तो 10, उसके अगली क्लास में जाएंगे तो 11, ऐसे। तो ये नंबर्स, ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसको डिनोट करते हैं, इट इज दीज आर डिनोटेड बाई, दीज आर डिनोटेड बाई कैपिटल एन। इस नेचुरल का कैपिटल एन ले लेते हैं और ये कहलाता है नेचुरल नंबर। ये एन, एन से रिप्रेजेंट करने का मतलब है नेचुरल नंबर। अब आपको एक मन में दिमाग आ रहा होगा, आखिर कहाँ तक है? क्या 1, 2, 3, 10, 11, उसके बाद 12, 13, 14, 100, 200, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, है ना? कहाँ तक है, कितनी होती है ये नंबर? तो इस नंबर की कोई अंत नहीं है। जिसका अंत ना हो, जिसका एंड ना हो, जो कभी खत्म ना हो, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। तो ये नंबर्स इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। तो एक और बात हमारे समझ में आ गया कि इसको एन से डिनोट करते हैं, और दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात आ गई वो है नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दैट इज देयर इज नो एंड, दैट इज देयर इज नो एंड, इसका कोई एंडिंग नहीं होता। देयर इज नो एंड ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? शुरुआत तो है, शुरुआत किससे होती है? बिगिनिंग होती है, लेकिन एंड कभी नहीं होता, ठीक है? सो नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। अगर हम नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करें, एक लाइन बनाएं ऐसी जो नंबर लाइन हो, तो इस नंबर लाइन में नेचुरल नंबर की शुरुआत तो होती है लेकिन एंड नहीं होता। इधर की तरफ ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। शुरुआत इसकी किससे होती है? तो शुरुआत होती है इसकी वन से। वन इज ए नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? वन। उसके बाद होगा 2, फिर आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना? 7, 8, 9, 10, 11, है ना? 12, ऐसे ये गिनती बढ़ती जाएगी, और ऐसे ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। आपको पता है इस तरह के रे में एक तरफ ये बढ़ता चला जाता है, कहां तक बढ़ता है? इनफाइनाइट। तो इसकी शुरुआत वन से होती है, यानी हम क्या कह सकते हैं इसमें कि वन इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वन इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वन इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है? तो वन स्मॉलेस्ट नेचुरल होता है, नंबर होता है। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई कि एक नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी कोई एंड नहीं होती, बिगिनिंग तो होती है बट कोई एंड नहीं होती, और वन जो होता है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। तो हमने कहा कि जैसे कोई चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, कहा 2 + 2 4 हो सकता है, 4 उंगलियां हो सकती है, 1, 2, 3, 4 ही काउंटिंग नंबर्स है। तो ऐसे ही अगर हम 2, ये जो है कितने बच्चे दिख रहे आपको, देखिए छोटे छोटे दो बच्चे, ये दो हैं, ये दो बच्चे किसी के घर में हैं और ये स्कूल चले जाए, दो ही बच्चे हैं किसी के आपके घर में, जैसे आप और आपकी बहन, वैसे ही ये है आप हो और ये आपकी बहन है, आप दोनों घर में हो और दो ही बच्चे हैं घर में, और दोनों के दोनों स्कूल चले जाए, तो बताओ घर में कितने बच्चे, बच्चे कितने बच्चे रह गए घर में? जब दोनों स्कूल चले गए तो कितने रह गए घर में? एक भी नहीं। एक भी नहीं को क्या बोलेंगे? दो थे और दो चले गए, तो कुछ नहीं बचा। उस कुछ नहीं को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जीरो, कि जीरो बच्चे, बच्चे क्योंकि कुछ है नहीं, एग्जिस्टेंस है नहीं, कोई बच्चे का एग्जिस्टेंस हुआ नहीं घर में, तो उसको हम कहते हैं कि जीरो। कितने बच्चे हो रह गए घर में? जीरो। जब दो ही बच्चे हैं, ये आप हो और ये आपकी बहन है, दोनों स्कूल चले गए, तो अब घर में कितने बच्चे रह गए? जीरो। तो जीरो की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। जीरो हैज इज नॉट इन एग्जिस्टेंस,
इनडिपेंडेंटली, इनडिपेंडेंटली अलग से इसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं होती। जैसे क्या तुम्हारे पास जीरो हवाई जहाज है? हवाई जहाज जीरो? नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वैसे तो मैं भी कह सकता हूँ मेरे पास जीरो हवाई जहाज है, मेरे पास जीरो ट्रेन है, लेकिन है नहीं, क्योंकि जीरो की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बच्चे जीरो रह गए क्योंकि बच्चे घर में है नहीं, तो जीरो की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब हमने ये कहा कि दो बच्चे थे और दोनों के दोनों चले गए स्कूल, ठीक है, पहले थे ये घर में होम, अब ये दोनों बच्चे चले गए स्कूल, तो यहाँ कितने रह गए? यहाँ रह गए जीरो, और दोनों स्कूल चले गए, पहले स्कूल में थे जीरो, मान लीजिए और भी बच्चे होंगे बट यहाँ से इस घर से तो जीरो थे, अब ये दोनों बच्चे चले गए स्कूल, तो स्कूल में हो गए दो बच्चे और घर में रह गए जीरो बच्चे। इसका मतलब दो में से दो गया, गया को कहते हैं दो में से दो गया, तो जीरो, जीरो भी एक नंबर है, इसलिए इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड जीरो, ये भी एक नंबर है। तो इस जीरो को अगर इस ग्रुप में इंक्लूड कर दिया जाए तो इसको हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, इसको हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या क्या होते हैं? ये स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे, ठीक है ना, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, एंड जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, ठीक है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर होल नंबर्स। तो ऑब्वियस है कि जब नेचुरल नंबर की गिनती नहीं हो सकती, वो इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट होंगे। तो होल नंबर्स लेकिन जीरो से शुरू होता है, और होल नंबर जो होता है वो जीरो से शुरू होता है, ये बात समझ लीजिए कि होल नंबर की गिनती कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। तो ये हो गया होल नंबर्स में, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? डब्ल्यू से। तो ये है जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, है ना, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे। तो ये है, इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? डब्ल्यू से, होल का डब्ल्यू, ये जो है होल का डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, तो इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, नेचुरल का एन और होल का डब्ल्यू, इट इज डिनोटेड बाई बाई डब्ल्यू। इट इज इसलिए लिखा है कि ये सेट है, पूरा एक सेट ऑफ नेचर होल नंबर है, पूरा एक सेट है, सेट का मतलब एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप है और एक ग्रुप को हम होल से रिप्रेजेंट, डिनोटेड बाई डब्ल्यू। अब इसमें एक और चीज सीखते हैं, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि ये बॉक्स है, ठीक है, और हमारे पास जितना ये पॉजिटिव इंटीजर है, इनको इंटीजर भी कहते हैं, इनको क्या कहेंगे? इंटीजर, ठीक है, और इंटीजर में ये 1, 2, 3, 4, 5, ये इंटीजर है। इसी के साथ इसमें अगर निगेटिव इंटीजर भी मिला दिए जाएं तो इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ये निगेटिव हालांकि ये भी एक्सिस्टेंस में नहीं है, नहीं है, लेकिन हम अगर इसमें जिस तरह से पॉजिटिव चीजें होती है इधर की ओर काउंटिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 और 6, ठीक है, ये 6 और 7 और 8, ऐसे, तो ये जो है एट इस तरह के, इसी तरह से इधर की तरफ अगर हम कहें तो ये हो गया -1 निगेटिव, ये -2, ये -3, ये -4, है ना, -4, इसी तरह से ये -5, ये -6, तो इधर की तरफ ये पूरा का पूरा कहलाएगा इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। इधर की तरफ जो है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरी तरफ जो है उनको हम कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स।
जीरो से जो इधर हैं उनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर में जो जा रहे हैं उनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इधर जो है उनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इधर की तरफ जो है वो है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब लेकिन जीरो को क्या कहेंगे? ये जो है ये यहां पर जीरो को छोड़कर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो को न तो हम पॉजिटिव कहेंगे न नेगेटिव कहेंगे, लेकिन जीरो के राइट साइड में, ये है राइट साइड में, इसको हम कहेंगे राइट। टुवर्ड्स राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हम कहेंगे कि टुवर्ड्स राइट ऑलवेज पॉजिटिव है ना, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट ऑलवेज नेगेटिव। टुवर्ड्स लेफ्ट ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो ये है जीरो, और जीरो के इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव होता है, ये बात दिमाग में रखना है। इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, कुल को मिला करके हम कहते हैं इंटीजर जेड। तो अगर हम इसमें ये लिख दें कि जेड प्लस, इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। इज अ सेट ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जेड इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। इस तरह से जेड माइनस अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, और इंटीजर्स जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंटीजर का मतलब हुआ इंटीग्रल नंबर्स, पूरा का पूरा नंबर्स, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4। अब माइनस वाली चीज एग्जिस्टेंस में होती नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी हम इसे कंसीडर करते हैं, और ये हम कंसीडर करेंगे कि ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को चार पेंसिल दे दिया, तो उसके पास आपकी चार पेंसिल क्या हो गई? उधार हो गई। तो ये माना जाएगा कि उसके पास चार, आपके पास चार पेंसिल है तो आपका पॉजिटिव है, आपका अपना है। आपको किसी को चार पेंसिल देने हैं, इसका मतलब आपके पास है नहीं, बल्कि चार पेंसिल और आपके पास उधार है किसी का, उसको निगेटिव माना जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। माइनस 200 का कोई नोट देखा क्या? नहीं देखा। माइनस 50 का नोट देखा? नहीं देखा। माइनस 2 पिज्जा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। माइनस 4 बर्गर खा सकते हैं? नहीं खा सकते। -10 मोमोज खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो ये सब नहीं होता। -2 हवाई जहाज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये सब निगेटिव इंटीजर्स का कोई एक्जिस्टेंस नहीं है, ये एक कंसेप्चुअल बात है, और जिसको आपको सीखना है, ठीक है ना, कि ये कंसेप्चुअल बात है। निगेटिव इंटीजर्स ये सेंस में मान सकते हैं कि उसे आपको देना है किसी को, या एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है बल्कि निगेटिव है। जैसे 100 रुपया आपको किसी को उधार देना है, आपके पास कर्ज है, तो उसकी आपकी संपत्ति -100 मानी जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप मेट्रो में कार्ड में भरते हैं और आपका पैसा खत्म हो जाता है, जब आखिरी में 10-15 रुपया रहता है और 25 रुपया की आप जर्नी कर लेते हैं, तो क्या कार्ड में लिख के आता है? देखे हैं कभी? -10, -10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपया आपको मेट्रो वाले को देना पड़ेगा, -10 रुपया तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस सेंस में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पहली जो लेक्चर है ये आपको मजा आया होगा, कुछ चीजें सीखे होंगे। अब अगली क्लास में, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, और उसमें छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे देखें और आराम से समझे, इसलिए छोटे छोटे ये वीडियो आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खूब 2 बार 3 बार देखें, मन लगा के पढ़ें, और कोई दिक्कत हो तो हमें लिख के जरूर भेजें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, गॉड ब्लेस, ठीक है, मन लगा करें, ठीक है।